हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्म पांडा में। आज हम बात करेंगे एक और नए वीडियो के बारे में, जो वीडियो मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्पेशली सी ए फाइनल की तैयारी कर रहे हैं और जो अपना एक बार जी कर चुके हैं, बट उन्हें रिवाइज करने में परेशानी हो रही है या फिर ये जानने में कौन सा टॉपिक उन्हें डायरेक्ट टेक्स्ट के अंदर एक दिन पहले रिवाइज करना चाहिए। तो मैं एक स्ट्रेटेजी उन सभी लोगों के लिए आज लेके आया हूँ, उन सभी लोगों के लिए जो सी ए फाइनल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सी एस फाइनल की तैयारी कर रहे हैं या फिर इनकम टैक्स के एक हाई लेवल के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा आज का जो ये वीडियो है वो इनकम टैक्स पे है और स्पेशली मैंने सी ए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। और इस मेरा मेरा मानना है कि इससे अगर और भी कोई व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं, वो अगर उससे अगर इस वीडियो से फायदा हो सकता है तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से मुझे मोटिवेट करते रहे। तो मैं आज आपको सैलरी, प्रॉफिट एंड गेन एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और हाउस प्रॉपर्टी, इन तीन हेड के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में अगले नेक्स्ट वीडियो में या फिर दूसरा वीडियो जो इसका होगा उसमें मैं आपको सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड्स एंड अदर डिडक्शंस और अदर मैटर्स के बारे में बताऊंगा, जाकि आप 60% मार्क्स स्पेशली स्कोर कर सकें अपने सी ए फाइनल के एग्जामिनेशन में। बिकॉज आई ऑल्सो गॉट एग्जम्पशन इन माई सी ए फाइनल डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड अकाउंटेंसी। सो आई एम ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हु टुक अ मल्टीपल अटेम्प्ट्स। तो आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कैसे पढ़ना है, लेकिन बहुत सारे लोग आपको ये नहीं बता पाएंगे क्या एक्चुअली क्रक्स है, जिस क्या एक्चुअली पूरा गेम है, जो एक बियॉन्ड द लेवल ऑफ द गेम वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन टू गेट द गुड मार्क्स इन ओ सी ए फाइनल। मतलब मेरा मानना है कि हमारे जो चीज़ें हैं वो एकदम टिप्स से होनी चाहिए, बाई फिंगर टिप्स हमें हम पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन में क्या एडजस्टमेंट है या फिर क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट एग्जाम में हो सकता है। अगर आप पीजीपी सेक्शन पढ़ रहे हो और अगर आप छोटी से सेक्शन में अपना सबसे अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आप जो क्वेश्चन एक या दो मार्क का एडजस्टमेंट के रूप में आपको पूरे 16 मार्क्स के पीजीपी क्वेश्चन में देखने को मिल सकता था या 8 मार्क्स के पीजीपी क्वेश्चन में देखने को मिल सकता था, उसके लिए आपने बहुत समय व्यतीत कर दिया। इसके बजाय आपको एक वो शॉर्ट फॉर्म एक एडजस्टमेंट के रूप में उसे पढ़ना था, जो कि आप एक प्रैक्टिस मैनुअल के किसी भी क्वेश्चन में देख सकते थे। तो इसी प्रकार से मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने पीछे देख सकते हैं, मैंने पूरा बैकग्राउंड तैयार किया है, सबसे पहले सेक्शन वाइज और क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, तो हम अब डिस्कस करेंगे इस बारे में। सो रही बिना बिना टाइम गंवाएं, वक्त गंवाएं, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माई फ्यूचर वीडियोज लाइक दिस वंस। आई ऑल्सो शेयर एक्सेल टिप्स, आई ऑल्सो शेयर अदर इंफॉर्मेशन वीडियोज। सो बी विद अस एंड पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता लग पाएगा कि मैं एक्चुअली क्या कह रहा हूँ, तो क्या मैं इस वीडियो में कन्वे करना चाहता हूँ सभी मेरे सी ए फाइनल स्टूडेंट्स को। बिकॉज आई एम ए क्वालिफाइड सी ए एंड आई हैव वर्क विद द 3 बिग फोर्स टिल नाउ, सो आई कैन टेल यू एंड आई एम ए राइट पर्सन, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, इवन एनी सोर्स, यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो that if you wanted to get something more on this particular topic in income tax, maybe it's a assessment related topics or something else. Okay, so आज बिना वक्त गवाए अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी हेड के बारे में। सैलरी हेड के अंदर आपको सबसे अधिक वक्त अपना नहीं गंवाना है, क्योंकि सी ए फाइनल का जो 100 मार्क्स का या 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें आपको सैलरी हेड के से रिलेटेड मैक्स टू मैक्स 5 मार्क्स का एज ए एडजस्टमेंट या 5 मार्क्स का एक सेपरेट क्वेश्चन मिल सकता है। तो आपको इस हेड पे सबसे अधिक अपना वक्त नहीं गुजारना है। आप मेरा मानना है कि आप 100 मार्क्स की तैयारी करके अगर 50% एक्यूरेसी रखने के बजाय 80 मार्क्स की तैयारी करिए और 80% से लेकर 90% की एक्यूरेसी रखिए अपने एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि उससे 60-80% का जो कोर्स कवरेज है वो हम कर सकते हैं एग्जाम से एक दिन पहले। 100% करना बहुत मुश्किल होता है हमेशा, इसके ये 100% हमेशा हम डीप स्टडी में करते हैं ताकि एग्जाम के समय पे हम उस क्वेश्चन को रिकॉल कर सके या जितना भी हमें उसके अराउंड द पॉइंट हमें जितना भी याद हम लिख सके उस 5 मार्क्स के लिए। तो सैलरी हेड के लिए मेरा मानना है, क्योंकि ये डीपली पूछा जाता है आईपीसी लेवल पे, तो मेरा मानना है कि फाइनल लेवल पे ये इतना सिग्निफिकेंट टॉपिक नहीं है, बट फिर भी हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। हमें स्पेशली इस चैप्टर को ख़त्म करना चाहिए, किसके थ्रू, इस हेड को हमें ख़त्म करना चाहिए
एमटीपी क्वेश्चंस और प्रैक्टिस मैन्यूअल। तो सीए स्टूडेंट्स के लिए जो प्रैक्टिस मैन्यूअल हमारे को प्रोवाइड किया जाता है, उससे हमें जो भी क्वेश्चंस है या जो भी थ्योरीज है हमें वहाँ से पढ़नी चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो फर्स्ट पेज पर होता है पीएम के अंदर, वो हमें पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा एमटीपी क्वेश्चंस पिछले 5 या 10 साल के जो भी मॉक टेस्ट क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट अरेंज करता है या फिर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं, तो वो मॉक टेस्ट क्वेश्चंस आप उसमें देख सकते हैं। इससे ज़्यादा अधिक वक्त आपको इस पर गवाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर दो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। एक तो आपको पूरा रेफर करना है प्रैक्टिस मैनुअल, प्रैक्टिस मैनुअल जो भी लेटेस्ट प्रैक्टिस मैनुअल है सी इंस्टीट्यूट का, हमें वो रेफर करना है। और उस प्रैक्टिस मैनुअल को हमको पढ़ना पड़ेगा पूरी तरह से, डीपली एक एक चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है, उसके एडजस्टमेंट्स को समझना है अगर वहाँ पे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्लस थ्योरी क्वेश्चन, यूजली हाउस प्रॉपर्टीज से कैश लोज मेरा मानना है कि बन सकता है आपको, तो आपको देखना चाहिए। जैसे चेन्नई सुपर एवेन्यूज का एक केस लो था जो मेरे टाइम पे था, बहुत पॉपुलर केस लो था। तो एक वर्डिक्स आपको देखने पड़ेंगे, इसमें आपको क्या करना है, अमेंडमेंट्स पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स कोई है, जैसे डिडक्शन से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट है 24 के अंदर, सेक्शन 24 में, तो वो आपको विशेष का ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे को ओनर्स का किस प्रकार से एडजस्टमेंट किया जाता है, किस प्रकार से उनका इनकम का कंपटीशन किया जाता है, कोई भी एक क्वेश्चन आप रेफर कर सकते हैं प्रैक्टिस मैन्यूल से या फिर अपने किसी पर्टिकुलर टीचर की बुक से। जैसे कि मैंने, अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने विनोद गुप्ता सर की बुक भी पढ़ी हुई है, मैंने दुर्गेश सर की कैप्सूल बुक और उनके मैनुअल भी पढ़े हुए हैं, इसके अलावा मैंने भंवर बोराना सर की बुक्स भी पढ़ी, इसके अलावा मैंने योगेंद्र बांगर सर की बुक्स भी पढ़ी है। तो डायरेक्ट टेक्स्ट में 3 या 4 टीचरों की मैं जितना भी कंसोलिडेटेड करके मैं जितना पढ़ सकता था मैंने पढ़ा है, तो मुझे आइडिया इन चारों बुक्स में से। तो अगर आपको पास्ट पेपर्स चाहिए 10 साल के या क्वेश्चन, तो आप योगेंद्र बांगर सर की बुक को रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन, या फिर अदरवाइज आप इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मैन्यूल ही रेफर करिए। तो एडजस्ट अमेंडमेंट्स आपको पढ़ना है, जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो आरटीपी के थ्रू आप इन अमेंडमेंट्स को पढ़ सकते हो। उसके बाद में एक कम्प्रहेंसिव सम, एक बहुत ही डिटेल्ड कम्प्रहेंसिव सम आपको पढ़ना होगा। आप या तो ये किसी पर्टिकुलर अपने टीचर्स के, आप योगेंद्र सर की बुक से, या फिर कहीं से भी आपको एक कम्प्रहेंसिव सम करना हो, इसमें कोऑनर्स हो उनका किस प्रकार से इंटरेस्ट की डिडक्शन को अलोकेट की है, या फिर कोऑनर्स की किस प्रकार से एडजस्टमेंट की जाती है, या फिर मेरा मानना है कि किस प्रकार से सेक्शन 24B के अंदर जो डिडक्शन की लिमिट है उसको टाइम टेन्योर के हिसाब से किस प्रकार से बाइफर्केट किया है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में होगा तो कितना होगा, लेट आउट प्रॉपर्टी में होगा तो कितना होगा, ये सब चीज़ें आपको और भी मिल जाए एक पर्टिकुलर सम में, बड़ा कंप्रहेंसिव सम हो वो आप कर लीजिए एग्जाम से पहले, या फिर उसको देख लीजिए अगर आपने कर लिया तो एग्जाम से पहले, ठीक है। इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट केस लोज आपको पढ़ने होंगे, जैसे कि मैंने बताया चेन्नई वाला जो आपको बताया अभी एक केस, तो वो इस प्रकार से कई केस लोज हाउस प्रॉपर्टी में जो इंपॉर्टेंट केस लोज है जो बताते हैं, क्योंकि सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी का जो सेक्शन है, सेक्शन इटसेल्फ व्हाट वी कॉल अ सेक्शन, दैट इज चार्जिंग सेक्शन। तो आपको चार्जिंग सेक्शन पे बताया बिल्डिंग एंड अपेरेंट देयर टू, तो बिल्डिंग के साथ में, बिल्डिंग और बिल्डिंग के अलावा, ठीक है, जो हाउस प्रॉपर्टी का एक नेचर है क्या है वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी हेड के अंदर कौन सी बिजनेस की इनकम को हम कंसिडर करते हैं, इसके लिए सबसे पहले अपन को उस हेड्स की चार्जिंग सेक्शन को पढ़ना होता है। तो चार्जिंग सेक्शन से रिलेटेड कुछ भी केस लोज है तो वो आप देख लीजिए, कुछ पुराने केस लोज भी आप देख लीजिए, क्योंकि केस लोज से जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपका प्रोविजन की स्टडी आपकी होती है। तो केस लो पढ़िए और प्रोविजन की स्टडी अपने आप आपकी हो जाएगी, और उसके साथ साथ जो वर्डिक्ट और रैशनल्स जो दिए गए हैं कोर्ट के जजमेंट्स जो दिए गए हैं आप उनको बहुत अच्छे से डीपली एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये आपने देख लिया। हम तीसरी बात करते हैं सेक्शन वाइज में बात करूँगा पीजी के लिए, ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इस हेड की हम बात करते हैं, इस हेड में हम कैसे डील करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आपका सेक्शन आता है सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन, उसके अलावा कुछ छोटे मोटे सेक्शन, सेक्शन 30 and 31 विच इज रिलेटेड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, रिलेटेड टू इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंसेस लाइक रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो इस प्रकार के एक्सपेंसेस जो है इनकर किए हैं उनकी डिडक्शंस आपको इन पर्टिकुलर सेक्शन में मिलती है, सेक्शन 30, 31 में, और सेक्शन 28 जो कि चार्जिंग सेक्शन है, कौन कौन सी इनकम प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस प्रोपोर्शन में कंसिडर की जाएगी। ये सब कुछ सेक्शन छोटी होती है, इनमें 1 या 2 सम आप देख सकते हैं पीएम से, या फिर सबसे पहले सबसे जो छोटी बुक होती है आपके पास में, आप जैसे भंवर बोराना सर की बुक ले सकते हैं, या फिर आप दुर्गेश सर की बुक ले सकते हैं, या फिर जिसमें आपको मेनली आपको प्रोविजन पे फोकस करना है, क्योंकि अगर आप प्रोविजन फोकस पे हो तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चन में, तो इजीली फास्टली आपको प्रोविजन रीड करना होगा इसके अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं अपने सेक्शन 32। सेक्शन 32 एक बड़ा सेक्शन है जो कि डेप्रिसिएशन रिलेटेड है, इसमें कई सेक्शन आते हैं, सेक्शन 32(1), 32(1), 32 एंड 32(2) एंड 32
सेकंड ए दैट इज अबाउट एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, क्योंकि एक कंप्रेहेंसिव सम में एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, एक एज एडजस्टमेंट बतौर एक एडजस्टमेंट आपसे पूछा जा सकता है, तो आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन भी पढ़ना चाहिए। इसके अलावा SLM कहाँ लगता है, इसके अलावा है ना, इसकी तो डेप्रिसिएशन एक बड़ा सेक्शन है, मैं आप ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको एक डेप्रिसिएशन पे पूरी कमांड रखनी चाहिए। एज ए एडजस्टमेंट ही आपसे पूछा जाने वाला है, कोई सेपरेटली आपसे नहीं पूछा जाने वाला है कि कोई 8 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन डेप्रिसिएशन पे आपसे बन जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। 2 मार्क्स का एडजस्टमेंट आपको एक PGPP के बड़े क्वेश्चन में मिल सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं सेक्शन 36 की। 36 इज अबाउट रेस्पेक्ट टू सम ऑफ द स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स, यू नो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स जो है 32, जैसे 32 AC और 32 AD, मुझे आइडिया आई डोंट रिमेंबर नाउ, आई थिंक दिस इज एप्लीकेबल और नॉट, बिकॉज इसका एक टाइम लिमिट था इन सेक्शंस में, जो इन्वेस्टमेंट्स की जो छूट देने वाली थी सरकार, उसका एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट था, जिस असेसमेंट डेट तक ये अलाउंस थी। तो हो सकता है शायद इसकी रिलीवेंस अब नहीं हो, या फिर हो सकता है कुछ अमेंडमेंट करके कोई नई सेक्शन इंट्रोड्यूस करेगी हो, बिकॉज मैं पहले पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, अभी रिसेंटली मैंने नहीं पढ़ा इनकम टैक्स, तो इस केस में आप अगर कोई नया अमेंडमेंट आया हुआ, नया सेक्शन आया हुआ इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसके पढ़िए, उससे रिलेटेड किस प्रकार से डिडक्शन आप दी जा रही है इस क्वेश्चन में, सम्स में किस प्रकार से उसको टैकल किया जा रहा है, वो आपको देखना होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में हम, इसके लिए आप प्रैक्टिस मेन्यू रेफर कर लीजिए और बुक से रेफर कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर टीचर की, इसमें जरूर सम्स किए हुए होंगे। इसके अलावा में हम बात करते हैं सेक्शन 36 के ही अंदर, एक सेक्शन 36 अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है, जिसमें आपको देखने को मिल सकती है मल्टीपल सेक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सेक्शन 36(1)(7) इट इज अबाउट बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो बैड डेब्ट्स से रिलेटेड आपको कैश लोज भी पढ़ने पड़ेंगे, तो बैड डेब्ट्स से रिलेटेड क्या क्या कैश लोज है। सेक्शन 36(1)(8) दैट इज अबाउट ट्रांसफर ऑफ द रिजर्व, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व बाय द फाइनेंशियल सेक्टर कंपनीज, तो वो किस प्रकार से क्या होता है वो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा कोई रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड्स में ट्रांसफर्स हुए हैं, या फिर सुपर एनुएशन प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर, या ग्रेचुटी अप्रूव फंड्स में, तो इन सब से रिलेटेड सेक्शन 36 में आपको मल्टीपल सेक्शंस मिलेगी। मल्टीपल सेक्शंस में अलग अलग बातें कही गई है, जिस प्रकार जिस डेट डेट से रिलेटेड भी बात कही गई है, तो बैड डेट में आपको कैश फ्लो प्लस एक क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, उसका एडजस्टमेंट कैसे बुक्स में किया जा रहा है, या फिर कंपटीशन में कैसे किया जा रहा है, उसका एडजस्टमेंट आपको समझना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके आगे सेक्शन 37। सेक्शन 37 एक जनरल डिडक्शन सेक्शन, मेरा मानना है ये कोई भी सेक्शन जो स्पेसिफिक में नहीं फंस रही है वो जनरल डिडक्शन में आती है, लेकिन जनरल डिडक्शन में कुछ उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जिस प्रकार रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होना चाहिए, जिस प्रकार से वो कहता है सेक्शन 37। ठीक है, इसमें सेक्शन 37 में कुछ केस लॉज भी मेरा मानना है आप लोगों को पढ़ने चाहिए, जैसे कि ब्रुक बॉन्ड का एक केस है, इसके अलावा GS का एक केस है, धर्मपुर शुगर मिल्स का एक केस है, IBM ग्लोबल सर्विस का एक केस, इसके अलावा कोई रिसेंट अमेंडेड कोई केस लॉ आया है इस पर्टिकुलर सेक्शन को एनकाउंट पर टारगेट अगर करता है, तो आपको वो भी पढ़ना चाहिए। अब हम बात करें उसके बाद में अगले सेक्शन है 33AB, दैट इज टी कॉफी रबर। सो ये स्पेशल प्रोविजन है इन तीन चीज़ों के लिए, टी कॉफी एंड रबर के लिए, कि इसमें रिजर्व्स का कैसे ट्रीटमेंट होगा। अगर रिजर्व्स को अगर आप पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अगर आप उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, मिस यूटिलाइज कर रहे, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा और किस प्रकार से वो इनकम जो डिडक्शन थी वो एड बैक होती है, तो ये सब आपको एक सम्स के बतौर आपको समझना होगा। एक या दो सम आप इसके करिए और आपको इसके डीप एनालिसिस करिए और अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि किस प्रकार से रिजर्व का ट्रीटमेंट वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अगर उसको मिस यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन किस प्रकार से फॉरफिट हो रहा है वो आपको देखना चाहिए, ये मेरा मानना है। उसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 35AC, दैट इज अबाउट स्पेक्ट्रम लाइसेंस। स्पेक्ट्रम लाइसेंस होता है जो उसके बाद उसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके लिए मेरा मानना है कि आप एक सम कर लीजिए। उसके बाद में आपका 35AB दैट इज़ अबाउट यू नो टेलीकॉम लाइसेंस, तो इसका भी एक सम कर लीजिए, आपको सम मिल जाएगा प्रैक्टिस मैनुअल में या फिर अपने टीचर की बुक में। उसके बाद में 35A मिनरल ओर से रिलेटेड जो डिडक्शन होती है वो किस प्रकार से मिलती है, उसके लिए आप एक पर्टिकुलर सेक्शन मिलेगी उसका, आप उसको भी आप पढ़िए। ठीक है, पर इसका इतना वेटेज नहीं है मिनरल ओर्स का, आई डोंट गिव मच ऑफ वेटेज टू दिस सेक्शन, बट या टेलीकॉम लाइसेंस का आपको एक प्रैक्टिकल सम करना चाहिए। आई गिव टू मच वेटेज टू दिस क्वेश्चन, कि एक इस पे एक चार नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, बन सकता है, या फिर एक बतौर एक एडजस्टमेंट भी आ सकता है आपके PGPP के क्वेश्चन में। उसके बाद में आपका 36(1)(7)(a), ठीक है, 36(1)(7)(a) आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये किसके साथ में, ये है मैंने जैसा कि बताया था 17 जो है आपका ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का है, इसके साथ में आपको सेक्शन 44C पढ़नी चाहिए, 44A पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो 44C क्या कहता है, मेरा कहने वाला है 44C सेक्शन क्या कह रहा है, 44C है आपका, इसके साथ में आपको केस तो पढ़नी चाहिए, ये है आपका देखो 44A तो आपका है वो अलोकेशन ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस एक्सपेंस का एक अलोकेशन क्या है, इस पर आपको केस लॉज पढ़ सकते हैं अगर कोई है तो, या फिर एक आप एक सम कर सकते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा 44C जो है एक और सेक्शन है जिसका मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये सेक्शन भी गौर करने चाहिए। लेकिन ज़्यादा समय नहीं देना इन सेक्शंस को, मेरा कहना है जो छोटी छोटी सेक्शन ज़्यादा समझते हैं, बट इसका मतलब आपको भूलना चाहिए, एक और दो मार्क्स को मिला करके ही 100 मार्क्स बनते हैं, ये समझ लीजिए आप। तो आपको इन सब पे भी वेटेज, इन सबको भी कंसिडर करना है, और ये एक स्पीडली आपको पढ़ना है, इट्स लाइक ए रिविजन। आप एक बार डीपली पढ़ चुके, एक बार रिविजन कर चुके, 3 बार 5 या 7 बार आपको स्पीडली ये रिविजन करना है इतना, तो आप समझ लीजिए आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ऐसा लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बस आग लगा दोगे एकदम, ठीक है। तो उसके बाद में मेरा कहने का मतलब है कि आप कुछ एक मिसलेनियस चीज़ों पर बात करते हैं। AMT का आपको क्वेश्चन करना चाहिए विथ फॉर्म, AMT का ट्रीटमेंट फॉर्म के साथ मिल सकता है, बिकॉज मैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द कंपनीज, सो इंडिविजुअल और इंडिविजुअल पे और फॉर्म्स पे जो लगता है वो है लगता है AMT, तब आपको AMT पढ़ना चाहिए, ठीक है। इस पर आप एक सम कर लीजिए, बेटर रहेगा। उसके बाद में आपका डिसअलाउंसेस, तो सेक्शन 40 होता है, सेक्शन 40 एक होता है बड़ा है, एक होता है छोटा है, तो छोटा है जो बताता है डिसअलाउंसेस की बात करता है, और बड़ा है का था अलाउंसेस की बात करता है, ठीक है। तो छोटा है के बारे में बताते हैं हम आपको, छोटा ए के बारे में बताते हैं, छोटा ए बोली सेक्शन 40 छोटा है, तो इसमें क्या होता है सेक्शन 40 छोटा ए में 1A A1 सेक्शन 40 छोटा है A1 आता है सेक्शन, तो ये किस बारे में कह रहा है, देखिए आप ये कहता है पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, आपने अगर कोई पेमेंट किया नॉन रेजिडेंट, ठीक है, तो उसके रिलेटेड में ये डिसअलाउंस की बात करता है। उसके बाद में सेक्शन 40 छोटा ए 1A छोटा ए, ठीक है, ये है पेमेंट टू रेजिडेंट, अगर आपने रेजिडेंट को पेमेंट किया है, ठीक है, तो उस केस में ये 30% डिसअलाउंस कर देगा, तो इसकी आपको टर्म्स पढ़नी पड़ेगी कि कब 30% डिसअलाउंस करेगा, ठीक है। और उसके बाद में सेक्शन 40A 1B, यह है इक्वलाइजेशन लेवी, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ था एक फाइनेंस एक्ट के थ्रू, फाइनेंस एक्ट 2017 के थ्रू, 17 के थ्रू ये इंट्रोड्यूस किया गया था मेरे हिसाब से, या 18 में। उसके बाद में सेक्शन 40 छोटा ए थर्ड, ये कहता है सैलरी पेमेंट, सैलरी पेमेंट जो सेक्शन 192 की एक कंडीशन है जिसको हम सैलरी में कंसिडर करते हैं, वो फुलफिल करी नहीं नॉन रेजिडेंट के केस में, अगर आपने पेमेंट किया है सैलरी का नॉन रेजिडेंट को, उस कंडीशन का अगर कंप्लाइंस किया तो ठीक है, अगर नहीं किया आपने कंप्लाइंस, तो आपने क्या किया है कि TDS का पेमेंट नहीं करा, सेक्शन 192 इज अबाउट TDS ऑन द सैलरी, तो अगर आपने नहीं काटा है तो आपका एक पूरा अमाउंट हम क्या कर देंगे, डिसअलाउंस कर देंगे सेक्शन के बाद। इसके बाद में आपका पेमेंट बाई एम्प्लॉय टू नॉन मॉनेटरी पक्स, एम्प्लॉयर ने किसी प्रकार का पेमेंट किया नॉन मॉनेटरी पक्स के लिए, पक्स के लिए जो एम्प्लॉय के लिए, तो उस सबको हम एड बैक कर देंगे डिसअलाउंस बन के, बराबर बात। और उसके बाद में आती है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में आप पढ़ लीजिए, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन रियल लाइफ में बहुत काम आता है, आपने देखा होगा 44AD के अंदर कितनी रिटर्न्स भरी जाती है, फर्जी रिटर्न्स आप देख पाएंगे, तो 44AD बिजनेस के लिए 44AA जो है प्रोफेशनल, इसके अंदर बुक्स के बारे में बताया गया है कि हु आर द पीपल हु आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड दोज पीपल कैन नॉट अडॉप्ट, विच आर द पीपल हु कैन अडॉप्ट दिस दिस सेक्शन फॉर फाइलिंग द रिटर्न्स फॉर कंपटीशन ऑफ द इनकम्स, और इसके अलावा एक 44AD आपको जो पढ़नी है। उसके बाद में कुछ मिसलेनियस डायरेक्शन है, मिसलेनियस डायरेक्शन है सेक्शन 43B, सेक्शन 43B में एक मल्टीपल सेक्शन है, सब सेक्शन आप बोल सकते हैं, जिसमें जिस प्रकार से पेमेंट टू पेमेंट ऑफ PF, अगर इफ यू हैव पेड बिफोर द डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, तो हम अलाउ कर देंगे, वे एट द सेम टाइम ड्यू डेट जो है एक पर्टिकुलर एक्ट PF के एक्ट के भी है, तो इस पर भी एक पर्टिकुलर 2-3 केस लोग जो आपको मेरे हिसाब से मेरे को लगता है पढ़ना चाहिए, जैसे गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का एक केस है जो आपको पढ़ लेना चाहिए इस पर, ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल केसेज है, सेक्शन 43B है जो ये कहती है, इसमें मल्टीपल सेक्शन है जिसमें डिडक्शन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज वो डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी, उसमें एक्चुअली दिस इज रिलेटेड टू टाइम लिमिट, ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू टाइम लिमिट कि किस टाइम लिमिट के अंदर आपको पेमेंट्स कर देने चाहिए थे टू द पर्टिकुलर पार्टीज और टू द फर्म्स और टू द गवर्नमेंट, सो दैट डिडक्शन के कुड बी अलाउड ऑन द पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर, ऐसा नहीं कि डिडक्शन वहाँ मिलेगी नहीं, फिर वो डिडक्शन होगा क्या, या तो नेक्स्ट ईयर मिलेगी पर इस साल आप क्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है, बराबर बात। अब उसके बाद में हम बात करते हैं सेक्शन 40 बड़ा ए के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, तो मैं डीपली नहीं जा रहा सेक्शन 40 बड़ा ए में, छोटा ए मैंने आपको बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना सब कुछ है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इनकाउंटर करूँगा आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड्स के लिए, और जो चैप्टर 6 ए की डिडक्शंस है मैं उनको इनकाउंटर करूँगा, इसके अलावा मैट के प्रोविजंस क्या है मैं उसको, इसके अलावा TDS के प्रोविजन, TDS में क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें मैं अगले वीडियो में आपके लिए लाने वाला हूँ। सो लगे रहिए, देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए दोस्तों, और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया था जस्ट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इसी प्रकार मुझे मोटिवेट करती है ताकि मैं आप सबके लिए और नए वीडियो बनाता रहूँ और लाता रहूँ, और इसी प्रकार से जस्ट कीप रॉकिंग ऑन गाइज। सो थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड वॉचिंग द एंटायर वीडियो, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, बाय। हेलो दोस्तों, एज जैसा ही मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि हम वापस से लेके आएंगे एक और दूसरा वीडियो जो कि इनकम टैक्स के ही ऊपर होगा, और जो कि एक स्ट्रेटेजी का हमारा पार्ट था कि हम दूसरी वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से जो चैप्टर हमने छोड़ दिए थे अपार्ट फ्रॉम PGPP, हाउस प्रॉपर्टी एंड सैलरी, उनको हम किस प्रकार से टैकल करेंगे हमारे सी फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी के अंदर, और किस प्रकार से उसकी मार्किंग रहेगी, और किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बटोर सकते हैं। उसके बाद हम ज़्यादा बिना वेस्ट वक्त गवाएं हम अब आगे बढ़ते हैं। सो आई स्टिल रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू रियली लाइक दिस कंटेंट, एंड इफ यू वांट मी टू गिव यू मोर कंटेंट फॉर SFM एंड अदर सब्जेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अपने विषय के बारे में कि हम इनकम टैक्स में कौन कौन से नए और सेक्शंस हैं और अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशंस हैं जिनके अंदर हम कितना उसका वेटेज है, मार्किंग है, और किस प्रकार से हम उसमें मार्किंग, कौन सी चीज़ इतनी पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है जिसको हमें पढ़ना चाहिए और जिसे पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम, एग्जाम के वक्त पर, क्योंकि हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें हम 100% को उसकी कवरेज नहीं कर पाते हैं, तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो पर, देखते रहिए पूरा वीडियो। तो हिट द लाइक बटन, हिट द बेल आइकन बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखिए, सबसे पहले कुछ एक इम्पोर्टेंट सेक्शन जो होती है सेक्शन चैप्टर 6 के अंदर, वो है सेक्शन 10AA, आपको पढ़नी होगी। ATI है आपके ऊपर, ये ATIP एंड देयर आफ्टर ATJJA, ये है। इस पर आपको एक प्रैक्टिकल सम करना होगा, एक या दो आप प्रैक्टिकल सम करिए इस सेक्शन ATJJA पे, क्योंकि ये RTP और प्रैक्टिस मैन्यूल में मिल जाएंगे आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा है। इसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, या फिर 2 मार्क्स का एक एडजस्टमेंट आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 115UA, दैट इज़ अबाउट REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शंस। तो इसका आपको समझना होगा कि REIT का एक्चुअली बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका नेचर ऑफ ऑपरेशंस क्या है, और किस प्रकार की रेवेन्यू या इनकम ये REIT जनरेट करती है, उसका टैक्सेबिलिटी प्रोविजंस क्या है, वेदर इट्स ट्रिपली, वेदर इट्स ट्रिपली मीन्स एग्जम्प्ट, वेदर एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द REIT, वेदर इट्स एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिसको उन लोगों को जिनको ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या फिर एट द टाइम ऑफ सोर्स के टाइम पे ही एग्जम्प्ट है जहाँ से हम ड्राइव कर रहे हैं। जैसे REIT ने कोई प्रॉपर्टी है जो लीज पे दी, तो लीज का जो रेवेन्यू आ रहा है क्या सोर्स के टाइम पे ही वो TDS काट के नहीं देगा, तो उसका मतलब सोर्स पे ही एग्जम्प्ट है वो इनकम, ठीक है। उसी प्रकार से अगर अपने हैंड्स में हमने जब अर्न कर ली, उसमें उसका क्या ट्रीटमेंट, वेदर इट टैक्सेबल इन ओवर हैंड्स, तो क्या है हमारे हाथ में टैक्सेबल नहीं है, तो वो भी एग्जम्प्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके अलावा डिफरेंट नेचर ऑफ इनकम क्या क्या हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, तो उनका क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्या TDS के प्रोविजंस है, क्या क्या टैक्सेशन उसका है, वो हम आपको डीपली उसको पढ़ना पड़ेगा REIT के लिए। उसके बाद में आपको एक MAT से रिलेटेड, AOP और BOY से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे, प्लस अमेंडमेंट्स इन तीनों के अंदर, MAT के अंदर और AOP BOY के अंदर अमेंडमेंट, प्लस AOP BOY को किस का इसका थ्योरी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अगर आपको देखने को मिले तो देखिए, करिए जरूर MAT का स्पेशली, और कोई भी अमेंडमेंट अगर है तो अमेंडमेंट भी आप देखिए। उसके बाद में हम बात करते हैं सरोगेट टैक्सेशन, बहुत से लोगों ने शायद इस टर्म भी नहीं सुनी होगी, सरोगेट टैक्सेशन सभी लोग यूज़ नहीं करते। सरोगेट टैक्सेशन वो होता है जिसमें ये दूसरे व्यक्ति का जो टैक्सेशन का जो बियर है वो दूसरा व्यक्ति उठाता है, ठीक है। व्हाट डज इट मीन बाय दैट, वेयर द टैक्स बियर बाय द वन पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन इनकम, इस दूसरे व्यक्ति के हाथ में जो इनकम अर्न हुई है उसके बिहाफ पर टैक्सेशन टैक्स दूसरा व्यक्ति पे कर रहा है, उसको कहते हैं सरोगेट टैक्सेशन। कौन कौन से सेक्शंस में आपको देखने को मिलता है, इट कुड बी सीन इन द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के केस में आपको देखने को मिल सकता है, ये देखने को मिल सकता है आपको। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में आप देखा होगा कि कंपनी के हैंड्स में ही DDT हम लगा देते हैं, फेदर इट्स अ डिफरेंट थिंग कि 10 लाख से ऊपर का जो अमाउंट डिविडेंड का है उस केस में, अभी जो नया प्रोविजन था उस हिसाब से होल्डर के हैंड में भी टैक्सेशन है, बिकॉज 10 लाख एक बड़ा अमाउंट होता है जो हर कोई नहीं अर्न कर सकता, तो गवर्नमेंट के लिए उस व्यक्ति को ट्रेस करके उस पर टैक्स लगाना आसान है, बट अदरवाइज 10 लाख से नीचे तक का जितना भी है सब DDT में
का और होता है जो कंपनी को ही पे करना होता है गवर्नमेंट को पार्ट कर के, ठीक है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे रिलेटेड आपको फिर 115 UB है, 115 UB, जो क्या कहती है AIF, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, क्या होता है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स और किस प्रकार से ये ऑपरेशन इसके किस प्रकार से कैरी आउट किया जाता है, इसमें TDS के प्रोविजंस क्या क्या है, रेट ऑफ टैक्सेशन क्या है, टैक्स की किस पर किस रेट से टैक्स काटा जाता है, वेदर इट्स मैक्सिमम मार्जिनल रेट, वेदर इट्स 30%, वेदर इट्स नेचर ऑफ एंटिटी, लाइक डोमेस्टिक कंपनी है, फर्म है, ठीक है, तो उस पर क्या रेट काटा प्रोविजन है, या फिर इंडिविजुअल पे क्या रहता है। तो ये सब आपको सिक्योरिटीज एंड ट्रस्ट के अंदर और AIF दोनों में समझना होगा, सीखना होगा। और इसके कुछ एक सम आप कर सकते हैं, या RTP या MTP या फिर इस प्रकार के अंदर आपको प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आपको टनेज टैक्सेशन एक है जो सरोगेट टैक्सेशन बता है, जिसके बारे में पढ़ सकते हैं। एक टनेज टैक्सेशन को ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, बट मेरा मानना है फिर भी एक बार ज़रूर आप देख लें, एक छोटा सा इसमें बन सकता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर हम बात करते हैं बेसिक क्या स्ट्रक्चर है कि कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है, उसके अलावा कौन कौन से ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। अगर आप उसको ट्रांसफर ही नहीं मानते तो फिर कैपिटल गेन के एम्बिट से ही बाहर हो जाता है पूरा। तो वो ट्रांजेक्शन कौन कौन से है, इसके अलावा एग्जम्पशन क्या क्या है कैपिटल गेन के अंदर, सेक्शन सेक्शन कौन सी है 54 आई थिंक, जो है हाउस के बदले हाउस खरीद लेते हैं आप बेच करके तो आपको डायरेक्ट एग्जम्पशन उसकी मिल जाती है। इस प्रकार के एग्जम्पशंस पे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर देखिए, एग्जम्पशन पे मेरा मानना है वो आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। इसके अलावा रिस्ट्रक्चरिंग की थ्योरी पढ़िए आप, रिस्ट्रक्चरिंग में आप थ्योरी पढ़िए जिस प्रकार से कन्वर्ट कर लेते हैं प्राइवेट कंपनी को फर्म में, या फर्म से प्राइवेट कंपनी में, या डोमेस्टिक कंपनी में, इस प्रकार से आप उसमें क्या थ्योरी में कौन कौन से उसके टैक्सेशन प्रोविजंस उसमें इम्पैक्ट करते हैं वो सब हमें देखना होगा। इसके अलावा हमको पढ़ना चाहिए अदर सोर्स में मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ, दो ही चीज़ पे आपको फोकस करने के लिए कहूँगा, स्पेशली इज गिफ्ट टैक्सेशन और दूसरा है आपका सेक्शन 222E, दैट इज डीम्ड डिविडेंड, जिसको हम डीम्ड डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड में एक और केस लो भी आप देख लेना है, विक्रम वेद के नाम से केस लो है, आपको वो देखना है इसके अंदर अदर सोर्स में। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग की। ट्रांसफर प्राइसिंग वाले सेक्शन में क्या देखते हैं आप, सेक्शन 92 सीडी क्या कहता है, स्कोप के बारे में बात करता है। तो आपको स्कोप के बारे में देखना है कि क्या स्कोप है सेक्शन का, वेदर इट्स इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और वेदर इट्स इंटरनेशनल डीम ट्रांजेक्शन, ठीक है। और उसके अलावा एसोसिएट एंटिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं, वेदर एंटिटीज एसोसिएट एंटिटीज, जिस पर एग्जाम्पल लाइक ऑल NJA आर द एसोसिएट एंटिटीज, ओके। उसके अलावा रिलीफ्स आपको पढ़नी पड़ेगी, रिलीफ पे क्वेश्चंस आ चुके हैं ये मत भूलिएगा, इसलिए रिलीफ्स आपको पढ़नी ही पड़ेगी। सेफ हार्बर आपको पढ़ना पड़ेगा, APA थ्योरी क्या है आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको रेंज कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको देखने होंगे, ये आप रेफर कर सकते हैं प्रैक्टिस मैन्यूल को, या फिर आप रेफर कर सकते हैं अपने टीचर की बुक को। इसके अलावा आपको असेसमेंट प्रोसीजर्स, इसके अलावा हम बात करते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन। नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में सेक्शन 5 जो होती है स्कोप के बारे में बात करती है कि कौन कौन सी इनकम किस किस के हैंड्स में टैक्सेबल है, तो स्कोप के बारे में बात करती है। तो स्कोप पर आपको देखना पड़ेगा कि नॉन रेजिडेंट का स्कोप क्या है, कौन कौन सी इनकम का स्कोप है, उसके स्कोप में आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स देखने पड़ेंगे, किस किस को इनडायरेक्ट ट्रांसफर कहते हैं। उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा कि सेक्शन 115IA, सेक्शन 115BB, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 115BB, स्पोर्ट्स के व्यक्ति के हाथ में कैसे टैक्सेबल हो। जो आप देखते होंगे IPL में क्रिकेट खेलने आते हैं खिलाड़ी बाहर से, या फिर फुटबॉल में, या फिर कोई और गेम्स में जो खिलाड़ी बाहर से खेल लेते हैं, तो इनकम अर्न करते हैं BCCI द्वारा, जो उनको कुछ इनकम मिलता है खेल के लिए, उसका किस प्रकार से टैक्सेशन ट्रीटमेंट होता है, उसका रिटर्न फाइलिंग का क्या प्रोविजन है, उसकी ड्यू डेट्स क्या है, वो सब चीज़ें आपको इस सेक्शन में पढ़नी पड़ेगी। और इसके लिए आप प्रैक्टिकल सम रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको DTAA पढ़ना पड़ेगा, उसमें 91 स्पेसिफिकली रिलीफ का कंप्यूटेशन कैसे होता है, जब आप एक कंट्री में दूसरी कंट्री में टैक्स दे चुके हैं तो आपको इंडिया में कैसे रिलीफ मिलेगा, उसके बारे में आपको बताया गया। उसके बाद में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस या ट्रांसफर्स की थ्योरी, कब मेथड्स को होते, जिस प्रकार से मेथड ऑफ ALP कंपटीशन, यू नो आर्म लेंथ प्राइस की कंपटीशन के लिए कौन कौन से मेथड है, जैसे कप मेथड हो गया, फिर और भी डिटेल मेथड है, तो उनके बारे में थ्योरी आपको थोड़ी पढ़नी है। उसके बाद में फिर आपको पढ़ना पड़ेगा असेसमेंट प्रोसीजर्स की जो वेटेज है, अगर एग्जाम अराउंड 12 से लेकर 16 मार्क्स की होती है, तो आप देखेंगे 12 से 16 मार्क्स तक का असेसमेंट प्रोसीजर्स में आपको मिलेगा सेक्शन 144, सेक्शन 143, 142, इसके अलावा कौन से सेक्शन 148,
तो इसमें असेसमेंट, उसके अलावा अपील्स और रिविजन्स आपको देखनी पड़ेगी, CIET अपील्स, ITAT है ना। उसके अलावा जो रिविज़न होता है सेक्शन 163-164 में आपको जो रिविज़न है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको सेटलमेंट कमीशन और AAAR से रिलेटेड कोई केस लो है, स्पेशली केस लो आप देख लीजिए इसमें, अपील्स और रिविजन में केस लो दीजिए। एडवांस टैक्स में आपको प्रैक्टिकल सब देखना पड़ेगा कंप्रहेंसिव, जिसमें डेट्स भी आ रही हो एडवांस टैक्स की, क्या कौन से ड्यू डेट्स है और किस प्रकार से इंटरेस्ट की कंपटीशन होती है और कैलकुलेशन से, एडवांस टैक्स का एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपको देखना पड़ेगा केस लोज, असेसमेंट प्रोसीजर्स के जो जो केस लोज है, और इसके अलावा मैं कहता हूँ सर्च एंड सीजर से जो भी केस लोज है वो आपको देखने पड़ेंगे। इसके अलावा पेनल्टी, कुछ एक इंपॉर्टेंट पेनल्टी आप एक या दो दे सकते हैं, मेरे सब ज़्यादा मार्क्स का मैक्स टू मार्क्स की या 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है पेनल्टी आपको देखने मिल सकता, वो भी रेयर केस में, अदरवाइज पेनल्टी यूजली कुछ नहीं आती है एग्जाम में, क्योंकि बहुत हार्ड पेनल्टीज बहुत सारी होती है और ये बहुत हार्ड होता है याद करना भी केस की, इसलिए। तो बस इतना ही सब कुछ था आज के इस दूसरे वीडियो में जो मैंने आपके लिए बनाया है। तो गाइज इसी प्रकार पढ़ते रहिए, क्रैक कर दीजिए इस एग्जाम को, इतना कुछ हार्ड नहीं है। डायरेक्ट टेस्ट सबसे बड़ी बात होती है आपका कॉन्फिडेंस, जो जिसको मैं बिल्ड करा रहा हूँ, आपकी इस कॉन्फिडेंस को मैं दे रहा हूँ आपको। जिस प्रकार से अगर आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे, इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे, पूरा ओवरव्यू एक बड़ा सा मैप लाइए, एक बड़ा सा पेपर लाइए और उसमें बना लीजिए, इस प्रकार से सेक्शंस लिख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, आप मार्किंग करिए क्वेश्चंस की, M3 M2 टाइप से आप उसके इंपॉर्टेंस वेटेज लिखिए, उसके बाद में उसको रिपीट करते रहिए स्पीडली, जितना जल्दी आप रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। सो आप मार्किंग भी कर लीजिए साथ ही साथ क्वेश्चंस की। तो आप देखेंगे यहाँ पर 16 16 32 कम से कम 40 मार्क्स के 50 मार्क्स का पेपर तो मैंने सेकंड वाले रिवीजन कोर्स में आपके सामने, इसमें सेकंड वाले रिवीजन स्ट्रेटेजी मैंने आपके लिए रखी है सेकंड वाले पोर्शन में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सब कुछ ओवरऑल कवर कर लिया है, इनकम टैक्स का कोर्स जो आपको पढ़ना चाहिए, या सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड्स भी आप पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना चाहिए, जिसमें 4 मार्क्स का मैक्स टू मैक्स हम देख सकते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के अंदर। डिडक्शंस मैंने आपको बता दी है चैप्टर 6 की, ये है। इसके अलावा छोटी मोटी डिडक्शन आपको एडजस्टमेंट में मिल सकती है PF वगैरह से रिलेटेड, अदरवाइज आपको मेरे को नहीं लगता कि वो सब पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, इतने बड़े एग्जाम के अंदर। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, इफ यू रियली लाइक द वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और इसी प्रकार से मुझे मोटिवेट करती रहिए, और मैं आपके लिए नए नए वीडियो ला के लेके आता हूँ। अगला वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बनाऊँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोर्स स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइए। और याद रखिए मैंने SFM 3 या 4 टीचर से पढ़ा है, और इसके अलावा मैंने SFM में भी अराउंड 54 या 55 मार्क्स थे, विच इज़ नॉट एग्जम्पशन, बट आई हैव अ गुड नॉलेज इन स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट वैल्यूएशंस एंड ऑल। तो हो सकता है कि आप मेरा दिया गया इनपुट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। हाँ, तो इसी प्रकार से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और हमें इसी प्रकार से प्यार करते रहिए दोस्तों। थैंक यू फॉर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, मेरा रिक्वेस्ट आपसे पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद ही स्किप ना करिए वीडियो, स्किप करते हो तो फिर मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने में।